हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आप पीछे देख पा रहे होगे मेरे क्या है, नई हैरियर जिसका आप लोगों को इतने टाइम से वेट था। तो भाई फाइनली अपनी हैरियर आ गई है आप लोगों के लिए। ले आया हूँ मैं इसकी वीडियो, इतने दिन से सिर्फ शॉर्ट डाल रहा था, आज फाइनली मैं वीडियो ले आया हूँ। एक बार हैरियर को चेक कर लो भाई साइड से, मतलब ये बैक है, साइड से दिखा देता हूँ फिर फ्रंट दिखा देता हूँ। मतलब ये साइड से तो अगर हम देखें तो ये पुराने जैसी ही लगती है, पर अगर हम जैसे ही फ्रंट में आते हैं ना तो पता लगता है कि भाई क्या मेजर चेंज हुआ है। इसकी ग्रिल चेक कर लो यार, और ये कनेक्टिंग लाइट्स, इसकी DRLs, ये देखो गुड बाय। ओहो क्या बात है, और ये हेलो हो गया कि भाई गाड़ी खुल चुकी है। तो यार इसके 19 इंचेस अलॉय, मतलब गाड़ी को बहुत ही ऊंचा फील करा रहे हैं 19 इंचेस के अलॉय हैं, और अलॉय कितने सुंदर हैं, एक नंबर के अलॉय हैं। मज़ा आ रहा है भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा फील हो रहा है, पहले थोड़ा सा नीचे फील होता था पर एक इंची से ही बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है। ये बैक की लुक देख लो, बैक लाइट्स एकदम चेंज हो चुकी हैं, बाकी पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर वही है, मोनोकॉप है ये गाड़ी। और एक ये जेस्चर फीचर जो आपको बड़ी गाड़ियों में मिलता है, जो कि पहले क्या गया 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ियों के अंदर आता है, वो फीचर हमें दे दिया है। बूट स्पेस अभी भी वही है पूरा का पूरा, मतलब ज़बरदस्त, बंदा सो के चला जाए। और ये बटन बंद करने का, बटन बंद और गाड़ी लॉक, तो भाई गाड़ी तो एक नंबर। ब्लैक कार्स जो पूरा इसके अंदर इन्होंने पहले भी जो जिसका प्रमोशन स्टार्ट हुआ था जब एल्ट्रॉस आई थी तब 50 लाख कार्स हो गई थी, अब तो पता नहीं कितनी सेल बढ़ जाएगी क्योंकि हैरियर सफारी आ गई है। नहीं ये जो पीछे दे दिया ना भाई, ये भी बहुत स्पोर्टी लुक दे रहा है। फ्रंट तो भाई एक नंबर खतरनाक लग रहा है, मजा आ रहा है। पैनोरामिक सनरूफ तो आती है, सेम इसकी ये साइड मिरर्स हैं सेम टू सेम। फ्रंट के अंदर नए DRLs आ गए हैं, व्हाइट लाइट्स नहीं है, DRLs हैं। ग्रिल इतनी बड़ी हो गई है जो बहुत ज़बरदस्त लग रही है, मतलब गाड़ी को बहुत खतरनाक बना रही है। बाकी भाई गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ, चला के दिखाता हूँ, गाड़ी की फील दिखाता हूँ, क्योंकि देखो बाकी सब पीछे से अगर मैं बात करूँ तो सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। स्पेस उतनी है, कम्फर्ट वैसा का वैसा ही है, ठीक है। स्पेस उतनी है जो पहले थी, ये थोड़ी सी स्पेस बढ़ गई आपके फ़ोन रखने के लिए दोनों तरफ, ये अलग से दे दिया है। ये थोड़ा सा दिमाग बहुत अच्छा इस्तेमाल करा है टाटा ने, ठीक है। यहाँ पर स्पेस है अपनी मैगजीन वगैरह रखने के लिए, पीछे भी सी टाइप और USB पोर्ट दे दिया है, फोन रखने की जगह, हैंड रेस्ट, और गाड़ी का कंफर्ट तो है ही है नेक्स्ट लेवल। और ये जो पर्दे दे दिए हैं भाई कंपनी फिटेड से, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी गाड़ी के अंदर चलता हूँ और आपको अंदर से फील दिखाता हूँ गाड़ी के, कितनी ज़बरदस्त गाड़ी है भाई, और फिर ड्राइव करके दिखाता हूँ इसको। अंदर जाने से पहले आपको बता दूं कि भाई देखो वेंटिलेटेड सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, ठीक है। मेमोरी फंक्शन आ चुका है दोनों सीट्स पे, इलेक्ट्रिक सीट्स हैं और वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ठीक है, जो कि आपने पहले भी देखा ही होगा। तो अब गाड़ी को ड्राइव करते हैं। अभी तो मेन बात यह है कि भाई ये अपनी पहली गाड़ी है इंडिया की, मतलब अगर कोई इंडिया ना माने तो भाई पता कर लेना हरियाणा की पहली डिलीवरी अपनी है, मैं आपको फॉर श्योर गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और यूट्यूब पे तो हैरियर सबसे पहली है डार्क एडिशन टॉप मॉडल किसी ओनर की। तो भाई ये इंटीरियर अपना जो सबसे शानदार है, और अब इसको करते हैं ड्राइव, ड्राइव करते हैं और ड्राइव करके दिखाते हैं। ये लो जी लो क्या पिकअप है गाड़ी का, अरे वाह देख रहे हो यार कितनी सी देर लगी होगी, ये 80, 90, 100 चढ़ चुकी है यार गाड़ी। भाई फील ही अलग है, गाड़ी की वाइब भी अलग है मेरी जान, मजा ही आ गया। देख रहे हो क्या जबरदस्त है यार, स्क्रीन देख लो, ये देख लो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये अपनी स्क्रीन, नहीं यार ये रे भाई इसकी फील ही अलग है, मतलब गाड़ी की फील बहुत अलग है यार, मतलब नई हैरियर पुरानी हैरियर से बहुत अलग है यार। ये देखो अभी तो अंधेरे की क्लिप्स में आपको डाल के दिखाऊंगा कि इसकी जो एम्बिएंट लाइट्स है ना, ये देखो ये ब्लू, ये स्पोर्ट सिटी मोड है तो ये ब्लू है, स्पोर्ट्स मोड करा तो रेड हो गई देखो, एक्टिवेटेड, और इकोनॉमी मोड कर देंगे तो ग्रीन लाइट हो गई भाई। और ये देखो ये लाइट कितनी बढ़िया है, ये गियर नॉच कितना बढ़िया है यार, बहुत जबरदस्त। और वॉइस कमांड भी है इसके अंदर, आप लोगों ने देखा होगा ये सारी चीजें ऑलमोस्ट नेक्सॉन के अंदर भी सेम है, जो यहाँ पर SOS दे दिया है जैसे किया सेल्टॉस में आता है, और एयरबैग इसके अंदर, और सब वूफर इसका आगे है, नेक्सॉन के अंदर पीछे है, इसके अंदर आगे है सब वूफर। और ये जो लग रहा है ना ये बहुत शानदार है, मतलब गाड़ी देख रहे हो स्टेयरिंग अब सिर्फ एक उंगली से जा रहा है, ये देखो ये सबसे ज्यादा बढ़िया चीज हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक हो गया। पहले भाई
बहुत हैवी सा शेयरिंग था, पर अब बहुत हल्का हो गया, तो बहुत जबरदस्त चीज हो गई है इसकी, इसी चीज का मजा है। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दे दी है, जिसका बहुत बेनिफिट है। पहले वो भाई जहाज जैसा लोग कहते थे, ये कप होल्डर दे रखे हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये स्पेस है पीछे भाई, अच्छी खासी स्पेस है, कंफर्ट बिल्कुल सेफ कि भाई। पैडल शिफ्टर्स आ गए हैं, देख लो पैडल शिफ्टर, इनका इनका अपना अलग काम है और अलग इनकी फील है भाई। पैडल शिफ्टर के साथ भगाने में अलग मजा आता है। बाकी स्क्रीन बहुत स्मूथ है, पहले की तरह लैगी नहीं है भाई, बहुत ज्यादा जबरदस्त फील है इस नई हैरियर की ना, आप लोग खुद देख लो यार। मतलब जिस जिसने गाड़ी देखी होगी उनको तो पता ही होगा, पर हम चला रहे हैं हमें पता है यार, मतलब मजा आ रहा है इस गाड़ी के साथ यार। ये देखो स्टेयरिंग देखो, मैं आपको ना इसको ड्राइव करके दिखाता हूँ एक बार, देखो क्या जबरदस्त फील है। देखो एक बार कैमरा देख लो बैक करते हुए, मतलब इतनी क्लैरिटी कर दी है, मतलब इतना सुधार कर दिया ना टाटा ने, मतलब जैसे कह रहे हैं ना कि 50 लाख 1 करोड़ वाली गाड़ियों वाले फीचर वो सब दे दिए। गियर नॉच देख लो, ऊपर से जो इसका चेंज करने का वो है मोड्स, वो कैसा कर दिया है। कैमरा डिफेंडर वाला है इसके अंदर अब बिल्कुल, ये देखो ओहो भाई कितना क्लियर, मतलब इससे ज्यादा क्या ही चाहिए बंदे को। स्टेयरिंग देखो कैसे जा रहा है, एक मूव में जा रहा है यार स्टेयरिंग, गाड़ी को देखो कैसे भाग रही है, ये देखो सीधा एक बारी में पीछे कर देती है यार भाई। ड्राइव क्वालिटी का तो मजा और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि देखो स्टेयरिंग है ना बहुत स्मूथ हो गया है, गाड़ी बढ़िया जा रही है। पहले ना थोड़ा सा स्टेयरिंग हैवी था तो थोड़ा सा फील कम आता था, ठीक है इसको इधर उधर कटिंग करने में या आपको ओवरटेक करने में, पर अब आपको 1% की दिक्कत नहीं आएगी। ये लो ये स्टेयरिंग एक हाथ से और ये पूरी गाड़ी कट गई, ये देखो ये है यार इसकी फील, मतलब यार क्या ही बोलूं, इतनी ज्यादा आप लोगों को भी पसंद है और हमें तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही गाड़ी पसंद है, तभी ये ली है। पार्क ये यार हैंड ब्रेक, अरे भाई मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, रुक जा सीट बेल्ट अभी लगा लूंगा। गाड़ी बाकी ऑलमोस्ट पूरी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम स्पेस है, सेम सब कुछ है। बाकी भाई तो कैमरे की क्वालिटी देख रहे हो, एडास का देख रहे हो भाई, बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, मतलब अलग ही नजारा है यार भाई, बहुत बढ़िया हो गया। ऑटो डिमिंग है, ये सामने का ये शीशा भी है अभी तक, ठीक है। बाकी चीजें यार आप लोगों ने हैरियर में देख ही रही है, सब कुछ सेम है, एक ये बस जो फ्रंट है ना इसका चेंज है, ये सी टाइप दे दिया है, यूएसबी पोर्ट दे दिया है। फ्रंट और बैक पूरी, मतलब आउटर तो पूरा चेंज हो चुका है, एक्सटीरियर इंटीरियर में यही मेजर चेंजेस है। बाकी आप लोगों को गाड़ी कैसी लग रही है वो जरूर कमेंट करके मुझे बताना भाई, हमें तो बहुत मजा आ रहा है इसको चलाने में, धीरे धीरे इसकी ड्रैग्स भी डालूंगा, कमेंट करके बताते रहना कैसा लग रहा है। बाकी ये अपनी पूरे इंडिया की फर्स्ट डिलीवरी है, हरियाणा के हिसाब से लगा लो हरियाणा में पहली डिलीवरी है, अगर कोई इंडिया ना माने तो हरियाणा में पूछ लेना, ये अपनी पहली डिलीवरी है। यूट्यूब पे ये पहली हैरियर है, डार्क एडिशन सबसे टॉप एंड मॉडल है। तो गाइज जल्दी से कमेंट करके बता दो आप लोगों को कैसी लगी गाड़ी, मुझे तो भाई सच बता रहा हूँ बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं बोलूँगा कि भाई जो जो हैरियर के फ़ैन है ना, वो अगर पहले हैरियर नहीं ली किसी रीज़न की वजह से, तो अब हैरियर में कोई कमी नहीं है, 1% की अब टाटा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। देखो अगर आपको हमारी तरह ड्रैग में भगानी है तो भाई मत लेना, अगर ऐसे भगाने की सोच रहे हो, नॉर्मल भगानी है हाईवे पे या वैसे तो भाई बहुत बढ़िया है, और फैमिली के हिसाब से लेनी है कम्फर्ट तो उस मामले में भी ये एक नंबर है, सेफ्टी के मामले में भी 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो भाई मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, चाहे डार्क एडिशन का एडवेंचर प्लस में लो या किसी भी उसमें लो, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। और इसके कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़बरदस्त आए, अपने वाला नाडो ग्रे भी आ गया है। तो मेरी तरफ से तो है भाई जिस जिसको पसंद है फटाफट ले लो भाग के, इस बार कोई कमी नहीं छोड़ी है टाटा ने। बाकी वीडियो अच्छी लगी थी और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।